रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र के बिसुनपुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब जमीनी विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद के दौरान एक पक्ष के दबंग लोगों ने कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला बोल दिया। जानलेवा हमले में पूर्व प्रधान समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल पूर्व प्रधान अरुण चौधरी के परिवार के लोगों में ही सरकारी नाली पर कब्जा को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद इस कदर बढ़ा कि पूर्व प्रधान और उनके दो बेटों पर कुल्हाड़ी और डंडों से जानलेवा हमला हो गया। इतना ही नहीं, हमलावर जानलेवा हमला कर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत तीन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां उनकी हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पूर्व प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने हमलावरों पर मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी धरपकड़ के लिए टीम गठित कर ली है। फिलहाल हमलावर पुलिस की पकड़ से दूर बताए जा रहे हैं। अरुण नारायण, कहाँ के रहने वाले? क्या मामला है पूरा? एक सरकारी नाला था, उसमें पिलर रखे थे, तो पिलर तोड़ दिया, तो हमने कहा पिलर क्यों तोड़ दिया, तो कहा तोड़ दिया। उसके बाद उसी नाला के पर्ते बाउंड्री खड़ा कर दिया, तो हमने मना किया तो गाली देने लगे, क्या कर लोगे। तो हम कुछ करने कानून कार्रवाई कही बस वो क्या करो, और उससे साथ लोग इकट्ठा हो गए और गाली गलूज करे लाग हुए। पति लोग पकड़ लिए, एक दिन कुल्हाड़ी लेके आए तो वो आए कुल्हाड़ी मार दी। कितने लोग घायल हैं आपकी? तीन लोग। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।